नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सीपी सिन्हा यूसी द्विवेदी और आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा ये जो है ये इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में बोलूंगा, ऐसे मुझसे कहा गया है। मुझे ये बोलने को कहा गया है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में पिछले कुछ वर्षों में जो उत्खनन हुए हैं उनसे जो नई चीजें सामने आई हैं उसके बारे में बोलना है और भारत के संदर्भ में मुझे बोलना है, खासतौर से सरस्वती बेसिन में जो उत्खनन हुए हैं। सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन 1920-21 में हड़प्पा में नहीं हुआ था, उसके पहले 1917-18 में कालीबंगन में लियो पियो टेरेस्ट्री में किया था। लियो पियो टेरेस्ट्री की उन्नीस सौ अठारह में मृत्यु हो गई और 1917 में 18 में उन्होंने उत्खनन किया। वो इटली के थे लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे। लियो पियो टेरेस्ट्री का उल्लेख मार्शल ने नहीं किया और 1920-21 में वत्स ने जब हड़प्पा शुरू किया और 1921-22 में मोहनजोदड़ो शुरू किया और 1924 में उन्होंने श्रेय लिया कि सबसे पहले उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अपने मार्गदर्शन में कराया। और चूंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु या उसकी सहायक नदी पर स्थित हैं, इसका नामकरण सिंधु सभ्यता रख दिया गया। लेकिन लियो पियो टेरेस्ट्री जिन्होंने कालीबंगन में उत्खनन किया 1917-18 में, उन्होंने कहीं पर कुछ अंश प्रकाशित किए कलकत्ता में। उनके साथ हजारी मल बाठिया के पिताजी हमेशा राजस्थान में रहा करते थे, उन्होंने बात को इस सूचना को दिया। लियो पियो टेरेस्ट्री ने भी इसको सरस्वती सभ्यता का नामकरण दिया था। अब आज उनके नाम का मेंशन, सबसे पहले एक बहुत अच्छा शोध लेख आर एस शर्मा साहब का लियो पियो टेरेस्ट्री के काम का उल्लेख किया और ये बताया गया कि उन्होंने कालीबंगन सबसे पहले एक्सप्लोर किया था। उसके बाद नयन ज्योति लहरी का आया, फिर इटालियन स्कॉलर है डेनिनो, उन्होंने भी लियो पियो टेरेस्ट्री का उल्लेख किया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं और उनके साथ साथ जो इंडियन स्कॉलर भी हैं जो साल में एक दो टूर अमेरिका इंग्लैंड का जरूर ले लेते हैं, उन्होंने कहीं भी अपने एक्सपेडिशन रिपोर्ट में लियो पियो टेरेस्ट्री का उल्लेख नहीं किया। लेकिन अभी हाल में कालीबंगन रिपोर्ट 1 प्रकाशित हुई, रिपोर्ट 2 भी प्रकाशित हुई, उसमें जगतपति जोशी ने ये मेंशन किया है लियो पियो टेरेस्ट्री ने सबसे पहले कालीबंगन में एक ट्रायल ट्रेंच लगाई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले उत्खननकर्ता लियो पियो टेरेस्ट्री थे कालीबंगन में और उन्होंने इसका नामकरण सरस्वती सभ्यता रखा था। बात तो सिंधु सभ्यता का नामकरण चलता रहा। हड़प्पा में सबसे पहले एक व्यापक स्तर पर खुदाई हुई तो हड़प्पन सभ्यता भी इसको कहते रहे। लेकिन आज जो 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब मुरली मनोहर जोशी शिक्षा और संस्कृत मंत्री थे, उस समय मैंने हड़प्पा गैलरी नेशनल म्यूजियम में लगाई और हम लोग उस समय इसका नामकरण सिंधु सरस्वती रखना चाहते थे। लेकिन उस समय तक जो
उत्खनन हुए थे उसके आधार पर हम लोगों ने कंट्रोवर्सी अवॉइड की और उसका नाम हड़प्पन सभ्यता रखा गया। ये कोई बात नहीं है कि हम इसको हड़प्पा भी कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन आज जो विगत 20 वर्षों में जो खनन हुए हैं और जो एक्सप्लोरेशन हुए हैं उसमें कुल 4002 सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के बाहर भी गुनोर देके एक है, तुर्कमेनिया में साइट है, उर है इराक में, मेसोपोटामिया में है। तो कुल मिला के 4002 स्थलों की खोज की है जिसमें करीब 252 स्थलों पर पुरातत्विक उत्खनन हुए हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है इसमें लगभग 2500 स्थल भारत और पाकिस्तान में जहां सरस्वती नदी चोलिस्तान से होकर गुजरती है, बात को फिर देसलपुर में आके गुजरात में अरबियन सी में मिलती है, तो सरस्वती बेसिन में करीब 2500 स्थल हैं जिसमें करीब 2000 स्थल तो सिर्फ हरियाणा में है। तो इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना उचित है। जब हम इसकी नई खोजों के बारे में बात करेंगे तो हम इधर जो 10 वर्षों में पाकिस्तान में कार्य हुआ है उसका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद अभी अभी हमने 3 किताबों का प्रकाशन किया है। पहला है न्यू डिस्कवरी इन सिंध एंड गुजरात, दूसरा है सिंध सभ्यता इन राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू, तीसरा है सिंधु सभ्यता इन हरियाणा, और चौथा है मीटिंग ऑफ हड़प्पन कॉपर होल्ड एंड ओसीपी इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो हम पश्चिम से चलेंगे और उत्तर प्रदेश तक आएंगे महत्वपूर्ण उत्खननों को लेते हुए। यहाँ पे बता देना चाहता हूँ अब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग जो उसके मूल तत्व हैं, उसके रूट्स हैं, उसकी शुरुआत लगभग 7000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक मिल रही है। और हमारे जो स्थल हैं वो मेहरगढ़ के समकक्ष पहुंच जा रहे हैं। इधर राखीगढ़ी, भिराना आदि उत्खनित स्थलों से, कालीबंगन से जो C-14 डेटिंग आई है उसके हिसाब से डॉक्टर B.R. मनी योगेन दीक्षित जी ने सिंधु सरस्वती सभ्यता की तिथि मैच्योर फेज की 3000 से 2000 ईसा पूर्व निर्धारित की। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अभी जो खुदाई हुई है उसमें करीब 10-15 स्थल मिले हैं। सलोरी उनमें एक है, हरिनगर उसमें एक है, चंदायन उसमें एक है, उल्लास आलमगीरपुर उसमें एक है। इनका हम जब उत्तर प्रदेश में आएंगे विस्तार से, तो बहुत बड़ी सभ्यता थी और इसका 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर थी। इसका उत्तरी कोना तुर्कमेनिया में, तुर्कमेनिस्तान में एक गुनोर देवते स्थल है वहां से है, और इसका एकदम पूर्वी जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं हरिनगर या सनोली, और दक्षिण में दायनाबाद, और उत्तर में हड़प्पा या मेहरगढ़। तो इतना विशाल भूखंड में ये सभ्यता थी। अभी हाल में जो नई बातें पाकिस्तान के स्थलों से आई है उसके बारे में हम संक्षेप में बताएंगे। मोहनजोदाड़ो से
जो उत्खनन हुआ है, इटालियन स्कॉलर ने जो वहां काम किया है, वहां पर एक कुषाण पीरियड का स्तूप मिला है। तो इटालियन स्कॉलर ने ये बताया कि इस कुषाण पीरियड के स्तूप के नीचे एक फायर प्लेटफॉर्म था, एक टेम्पल था जो हड़प्पन कालीन था। ये नई बात आई है। मोहनजोदड़ो से एक अभी हाल में सिल्वर की अंगूठी मिली है, जिसमें जैसे इंदिरा गांधी सेंटर का लोगो है, मल्टीपल स्वास्तिक, उसको अलंकरण किया गया है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये नई खोज है, मैंने प्रकाशित किया उसको, मेरी किताब है रूट्स ऑफ हड़प्पन सिंबल्स, उसमें ये है, इंदिरा गांधी सेंटर ने प्रकाशित की है। तो अभी तक ही माना जाता था कि हड़प्पा के लोग और मोहनजोदड़ो के लोग टिन और कॉपर से परिचित थे, ब्रॉन्ज मेटलर्जी से संबंधित थे। लेकिन अभी जो शाही टूम एक जगह मिली है, वहां लेड और कॉपर और टिन का अलॉय का एक बहुत बड़ा वेट मिला है। शाही टूम साउथ बलूचिस्तान में, ईरान बॉर्डर पर, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। अभी ये नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन आपस में लड़ ही रहे थे कि व्हील जो इंडस वैली की थी वो सॉलिड थी क्या स्पोक्स थी। प्रोफेसर लाल और अमरेंद्र नाथ जी ने इसमें बहुत अच्छे पेपर लिखे। अभी हाल में करीब 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व पुराना मेहरगढ़ से एक पेंडेंट, एक नहीं चार पेंडेंट मिले हैं, जिसमें धर्मचक्र जैसा व्हील है और एक में 6 स्पोक्स हैं, एक में 8 स्पोक्स। तिल्ली वाला व्हील मेहरगढ़ में 4000 से 3500 ईसा पूर्व में कॉपर का मिला है, लेकिन उसमें लेड भी मिला हुआ है। लेड की मेटलर्जी सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण बात है। पहले माना जाता था कि टिन बहुत कम मात्रा में कॉपर में है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, लेकिन अभी इधर जो एनालिसिस हुआ है, खासतौर से शारदा श्रीनिवासन ने और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रविंद्र सिंह ने, पैट्री जी ने, उन्होंने बताया कि 3 से लेकर के 12% तक टिन इंडस वैली के कॉपर ऑब्जेक्ट में मिलाया जा सकता, मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। ये नई डिस्कवरी। मैंने आपको बताया कि पहला एक्सकेवेटर मार्शल नहीं था, लियो लियो टेरेस्ट्री थे जिन्होंने कालीबंगन में प्रथम एक्सप्लेशन किया। इसका उल्लेख नयन ज्योति डेली ने, प्रोफेसर आर एस शर्मा ने और डेनिनो ने अपनी पुस्तक में किया, मैंने भी जोर से किया है। धौलावीरा में आखिर ये 20 साल पहले का उत्खनन है, जिक्र करना बहुत जरूरी है। अब हम गुजरात में आते हैं, जिसको डिस्कवर किया था जगतपति जोशी ने और एक्सपेक्ट किया था बहुत व्यापक पैमाने पर आर एस बिस्सा ने। यहाँ 18 रॉक कट रिजर्वायर मिले हैं। हम लोग जब मॉडर्न आर्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई रॉक कट आर्किटेक्चर सबसे पहले मौर्यों के समय में शुरू हुआ, गया में सबसे पुराना अशोक के पीरियड का रॉक कट केव है। लेकिन आप देखिए 18 रॉक कट पूरी की पूरी धरती को काट करके रिजर्वायर बना दिया धौलावीरा में, तो ये सब रॉक कट केव के प्राचीनतम प्रमाण है।